अगर आप दुश्मन को हराना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है, दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। ये मेरी लेडी बर्ड की कॉलोनी है, इसे लेडी बग भी कहते हैं, अमेरिका में उसे लेडी बग्स और ब्रिटेन में उसको लेडी बर्ड्स कहा जाता है। तो ये आपके सामने जो है वो मेरी लेडी बर्ड्स की कॉलोनी है। ये कोई 250-300 के करीब लेडी बर्ड्स होंगे, और इसके अलावा भी इस वक्त जो है मेरे गार्डन में और भी बहुत से फिर रहे हैं। ये कल बारिश की वजह से ये ग्रीन नेट के नीचे काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मैंने इनको जो है वो कलेक्ट किया और जानबूझ के मैंने इस बॉक्स में रखा है। जी तो अब मैं इनको इनकी जो कॉलोनी है उसमें छोड़ने लगी हूँ। मैंने इनको थोड़ी सी जो है वो चीनी फीड करवाई, शक्कर फीड करवाई है, और मेरा इनको थोड़े देर के लिए जो है एक बॉक्स में रखने का एक मकसद था, तो होप के वो मकसद पूरा हो गया हो। मैं एक्चुअली इनकी पॉपुलेशन में थोड़ा इजाफा चाह रही थी। ऑलरेडी ये 250 के करीब होंगे, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, जो काम मैं करने जा रही हूँ कि ये जो है ये मिली बग के, स्पाइडर माइट्स के एफर्ट्स के बहुत दुश्मन होते हैं। तो जब मैंने इन्हें कलेक्ट किया है तो मैंने भी इनको यही फीड करवाया है। मतलब मैंने ऐसे जो अफेक्टेड लीव्स थे जिनके ऊपर ये देखे खा भी रही है, तो जिनके ऊपर ऐसे लीव्स थे वहाँ मैंने छोड़ दिया इनको। इनकी ब्रीडिंग की जा सकती है, तो यहाँ पे यानी कि एक बॉटल के अंदर इन्हें रखा जा सकता है। बाकी ये अफेक्टेड लीव्स खाते हैं, एफिड्स खाते हैं। आप इन्हें शुगर डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो, लेटिस लीफ डाल सकते हो। कुछ मैंने यहाँ रख दी हैं क्योंकि ये यहाँ से बहुत फैल जाएंगे। ये जस्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है इनको जमा करने का। आप मेरे पास इनकी तादाद देख सकते हैं, तो ये इस वक्त जो है वो शक्कर खा रहे हैं, तो आप देख लें ये शक्कर के कितने शौकीन हैं। 16 घंटे बॉक्स में रखने के बाद मैं अब इनको इनकी ही लोकेशन पर वापस छोड़ रही हूँ।